ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे ने बुधवार को डेयरी चौक पर बिना बोर्ड के चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की। ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर कोई बोर्ड नहीं लगा है और पूछताछ पर पाया गया कि कोई फार्मासिस्ट भी नहीं है, जबकि दुकान में हायर पोटेंशी वाली एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं जिन्हें बेचा जा रहा है। कोई क्रय विक्रय का अभिलेख भी नहीं है। छापामार कार्रवाई के दौरान पड़ोस में रह रहा चिकित्सक भी मौके से फरार हो गया। सूचना पर कस्बे में मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। मेडिकल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी भी आनन फानन में स्टोर के इर्द गिर्द दिखाई पड़ने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। कस्बा इंचार्ज राघवेंद्र मौके पर पहुंच गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि पड़ोसी फरार हुए चिकित्सक की जाँच के लिए CMO को लिखा जाएगा। स्टोर पर क्रय विक्रय के कोई अभिलेख भी नहीं मिले हैं, जबकि हर तरह की दवाइयों का बेचा जा रहा है जो गैरकानूनी है। इसके लिए विधिक कार्रवाई करने हेतु इन दवाइयों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है, जिसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। मौके पर स्टोर से 3 हायर एंटीबायोटिक्स, 1 दर्द और 1 विटामिन के नमूने भी लिए गए हैं। फिलहाल स्टोर में दवाई बेचने पर रोक लगा दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि दवा विक्रेताओं की यूनियन के कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर दबाव बनाने का प्रयास किया था, जिसके चलते मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं जिंजाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। आइए जी, क्या मामला है मैडम? पूरा संज्ञान में ये आया कि शायद ये बिना लाइसेंस के, पूछे जाने पर इनके पास लाइसेंस तो मिला, पर ये था कि ना ही प्रोप्राइटर ना ही फार्मासिस्ट अवेलेबल। तो बिना फार्मासिस्ट और बिना प्रोप्राइटर के यहाँ पर दवाई का क्रय विक्रय कर रहे हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा, कोई शिकायत के आधार पर आप पहुँचे या औचक निरीक्षण? औचक निरीक्षण ही था, उसके तहत मैं यहाँ आई थी। और ये भी मालूम चला कि इसके जस्ट बगल में कोई डॉक्टर संजय हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने अपनी कोई डिग्री मुझे नहीं दी थी और वो यहाँ से फरार हो गए हैं, जिनकी जांच मैं CMO अधिकारी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो करें। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हर तरह की एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक सब अवेलेबल है जो शेड्यूल H में आती है, जो बिना फार्मासिस्ट के नहीं बेची जाती। ठीक, यहाँ पर कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ मुझे, ना परचेज के ना सेल के, ना इनके पास कोई कैश रिकॉर्ड है ना परचेज रिकॉर्ड है, और हर तरह का दवा। इसके अंतर्गत मैं प्रतिष्ठान में 220 सेक्शन के अंतर्गत इस प्रतिष्ठान पर क्रय विक्रय शेड्यूल ड्रग्स के लिए रोक रही हूँ, और इसकी एक प्रति मैं थाना में दूंगी ताकि फार्मासिस्ट और प्रोवाइडर अपनी जस्टिफिकेशन दें उन्होंने इस तरह से अपने आप। अच्छा, कोई सैंपल नमूना वगैरह लेने की? कोई 5 नमूने लिए हैं मैंने, और सारे इसमें 3 तरह के एंटीबायोटिक हैं और 2 तरह के, 1 विटामिन और 1 दर्द की दवा। ठीक। अच्छा, क्या आज झिंझाना में कहीं और इन स्टोर के अलावा भी कहीं और आपका? जी, पहला मेरा औचक निरीक्षण था, यही है। आगे अगर कोई प्रतिष्ठान खुला हुआ पाया